गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त डिफेंस गुरु विक्रम सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं डिफेंस स्टडी जोन के स्टडी प्लेटफॉर्म पे। सो गाइज, आप सभी के काफ़ी कमेंट्स और रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एयरफोर्स के बारे में। आप सभी को पता होगा कि एयरफोर्स के जो फॉर्म हैं वो फिलअप हो चुके हैं, एग्ज़ाम की डेट भी रिलीज कर दी गई है। तो हम कि हमें एग्ज़ाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में हम इस वीडियो के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम केवल एयरफोर्स और नेवी के बारे में डिस्कस करेंगे। एयरफोर्स और नेवी के बारे में, एयरफोर्स के जो एक्स और वाई दो ग्रुप होते हैं उसके बारे में, प्लस नेवी के बारे में बेसिक डिटेल ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास पड़ने वाले बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स आप जानते हुए एयरफोर्स के बारे में, तो हमारे एयरफोर्स के दो ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप प्लस वाई ग्रुप। ओके गाइज, तो देखिए जो एक्स ग्रुप जो होता है, एक्स ग्रुप में केवल वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाते हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से 12th क्लास पास की होती है। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो ही एक्स ग्रुप की एग्ज़ाम दे पाते हैं। जबकि जो वाई ग्रुप होता है, वाई ग्रुप की एग्ज़ाम चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, सभी स्टूडेंट्स वाई ग्रुप की एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहली बात। चलो दूसरी बात हम करते हैं, जो एक्स ग्रुप होता है, एक्स ग्रुप वाली जॉब एक टेक्निकली जॉब होती है, जबकि वाई ग्रुप की जॉब नॉन टेक्निकली जॉब होती है, जो हमें ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है वाई ग्रुप के अंदर। इनकी सैलरी में 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे केवल एक्स ग्रुप के बारे में पहले, फिर बात करने वाले हैं वाई ग्रुप के बारे में। तो चलिए एक्स ग्रुप के बारे में जो डिटेल्स हैं मैं आपको वो बताते जा रहा हूँ, तो आप साथ साथ उनको नोट करते रहिएगा। पहली डिटेल बात करते हैं, एक्स हमारी टेक्निकली जॉब है। दूसरी बात, एक्स की सैलरी वाई से 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा होगी। हमारे एक्स ग्रुप का जो पेपर होगा उसके अंदर हमें जो टोटल टाइम मिलने वाला है, टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट का टाइम, ध्यान रखिएगा 1 आवर। हमें एयरफोर्स की एग्ज़ाम में केवल एक्स ग्रुप की एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको 60 मिनट 1 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि ये 60 मिनट के टाइम में हमें कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कितने क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चन मिलते हैं, 70 क्वेश्चन हमें एक्स ग्रुप की एग्ज़ाम में टोटल 70 क्वेश्चन मिलते हैं। 70 क्वेश्चन में देखो आपको हमेशा 50+ क्वेश्चन का स्कोर रख के चलना होगा ताकि आप मेरिट लिस्ट में भी ना रह पाओ, 55 का स्कोर रखना होगा आपको। ओके गाइज, दूसरी बात हम बात करेंगे 70 क्वेश्चन किस किस चीज़ के होते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती है, नेवी की एग्ज़ाम होती है, वो हमेशा ऑनलाइन लगती है। ओके गाइज, हमारी एग्ज़ाम ऑनलाइन लगेगी, प्लस वो ड्यूअल लैंग्वेज होगी, दो लैंग्वेजेज में हमारी एग्ज़ाम लगेगी, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको देने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए बात करते हैं एक्स ग्रुप में जो हमें 70 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो 70 क्वेश्चन किस चीज़ के होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहला हमें यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इंग्लिश के लिए। ओके गाइज, आप देख सकते हैं हमें 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे इंग्लिश के लिए। इसी 20 क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, कुछ वोकेबलरी से क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। ओके गाइज, चलिए बात करते हैं दो नंबर पे हमें इसके अंदर 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन हमारे होंगे फिजिक्स के। ओके गाइज, 25 क्वेश्चन हमें मिलेंगे फिजिक्स। ये फिजिक्स कहाँ से आएगी, ये फिजिक्स जो आपने 11वीं और 12वीं 11th-12th क्लास में पढ़ी है, तो ये वहाँ से आने वाले हैं हमारे क्वेश्चन। ओके गाइज, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स के 11th और 12th से। चलो थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं, 25 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं मैथ से। ये मैथ भी हमारी 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स
होगी। तो अच्छे से आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी या जो स्टेट बोर्ड की एक्ट बुक्स हैं वहाँ से आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वही चीज़ ज़्यादा पढ़नी है जो आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा है। दूसरी बात, ये हमारे 70 क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको 0.25 या हम बोले तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। फिलहाल आपको एक ही चीज़ पर फोकस करके चलना है, वो है आपकी एफओस की एग्ज़ाम। केवल एग्ज़ाम पे आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि आगे की जो प्रोग्रेस है, जो प्रोसेस, जो आगे की जो प्रोसेस है एग्ज़ाम के बाद की, वो प्रोसेस अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जाननी भी है तो वो हम फिर किसी दूसरे वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको एग्ज़ाम में पढ़ना है, ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं। ओके।